अस्सलाम वालेकुम जी, आज कुछ मीठा बनाने का दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज बनाई जाए ब्रेड की रसमलाई, जिसके लिए ये है 1 लीटर मिल्क, जिसको मैंने गर्म होने के लिए रखा था, इसमें बॉयल आ गया है। इसके अंदर डालूंगी मैं 4 टेबल स्पून शुगर, 2 चुटकी इलायची पाउडर, और ये डालकर अब हमने इसको पकाना है। इसके अंदर मैं कंडेंस मिल्क भी डालूंगी 2 टेबल स्पून। आपने देखा होगा कि रसमलाई जो है वो मीठी होती है, इसलिए मैंने 4 टेबल स्पून डाली है इसके अंदर शुगर, और 2 टेबल स्पून डालूंगी मैं इसके अंदर कंडेंस मिल्क। अब हमने इसको स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है, जब तक हम कटिंग कर लेते हैं अपनी ब्रेड। तो जी, ये पक रहा है, इसको आप आँच हल्की कर दें, और जब तक हम ब्रेड को कटिंग करते हैं, ये देखें मैंने कटिंग इसको किया था गोल। आपको एक काट के भी दिखा देती हूँ कि इस तरह से मेरे पास है कटर। आपके पास कटर ना हो कोई बात नहीं, आप जो है कोई ग्लास है उसकी मदद से भी इस तरह से स्लाइस इसके कट करके रख लें। ये देखिए जी, ये जो हम रबड़ी तैयार कर रहे थे रसमलाई के लिए, वो तैयार हो गई है और थिक हो गया है, दूध कम भी हो गया है। अब हमने करना क्या है कि इसको ठंडा करना है। थोड़े से हमने इसके अंदर ये पिस्ते डाल दिए हैं, और अब हम करेंगे इसको ठंडा। ठंडा करने के बाद फिर हमने जो हमारे पास ये ब्रेड के स्लाइस हैं ये इसके अंदर डालने होंगे। इसको मैंने ठंडा कर लिया है। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर ज़ाफ़रान भी डाला था थोड़ा सा, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आ गया, और फिर इसके अंदर जो इसकी खुशबू एक होती है वो भी बहुत अच्छी आती है। आपने इसको ठंडा कर लेना है। अब ये बहुत अच्छा सा चिल्ड हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये ब्रेड के स्लाइस। इसको आपने थोड़ी देर इसमें छोड़ देना है। आप अगर गरम गरम में डालेंगे तो आपको ये ब्रेड का हलवा मिलेगा। ये इसको अब आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ये मैंने मिल्क लिया था, 1 किलो दूध था, उसके अंदर मैंने शुगर डाली थी, और मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाला था कंडेंस मिल्क, थोड़ा सा मैंने ज़ाफ़रान डाला है, इलायची पाउडर डाला है, पिस्ते डाले हैं। इसको पकाया है, पकाने के बाद ये जब गाढ़ा होने लगा, ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा होता है, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो बिल्कुल ये जमा जमा सा हो जाएगा। तो हमने इसको थिक किया, थिक करने के बाद हमने इसको ठंडा किया, हमने इसके अंदर पिस्ते डाले, और अब हमने डाले इसके अंदर ब्रेड के स्लाइस। अब हम थोड़ी देर वेट करते हैं। हमने इसको छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, अब हम इसको निकालते हैं। बहुत एहतियात के साथ, इसलिए कि बहुत सॉफ्ट होता है। देखें जी, बड़े आराम के साथ, अपने बड़े आराम के साथ और प्यार के साथ इसको निकालना है। थोड़ा सा इसमें तो ये डाल देते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब हमने जो गार्निश के लिए थोड़ा सा पिस्ता बचा के रखा था वो हम डाल देंगे इसके ऊपर। चले जी, ये देखिए कितनी जल्दी से हमने झटपट से एक मज़ेदार सा जो है ना डिज़र्ट रेडी कर लिया है, तो ये बहुत खाने में टेस्टी लगता है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी है। और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।